दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BW कैंपस पे। मैं अर्पित त्रिवेदी, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके BHU BCom ऑनर्स के मैनेजमेंट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिन टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे तो BHU अपने एक एक सब्जेक्ट के हर पार्ट से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स है जिससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट में आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्लस ये एक आखिरी वीडियो नहीं है, ये पूरी एक सीरीज़ होगी जिसमें हम और हमारे मेंटर्स हर सब्जेक्ट्स के, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग वीडियोस बनाएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस और किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बेसिकली मैनेजमेंट पे हमने बनाया है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले BHU BCom ऑनर्स में हमारे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके मैनेजमेंट से। ठीक, अब उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं या किससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक्स पूछ लेता है कभी कभी BHU कि मैनेजमेंट की मीनिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है, या फंक्शन से पूछेगा कि बताओ भाई लूथर गुरलिक ने कितने फंक्शंस बताए। तो सबको पता है लूथर गुरलिक ने 7 फंक्शंस बताए थे। फिर उसके बाद ऐसे ही पूछ लेगा फेयोल ने कौन कौन से फंक्शंस बताए, तो फेयोल ने 5 फंक्शंस बताए थे। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो फेयोल ने 5 बताए थे लेकिन लूथर गुरलिक ने 7 बताए थे, उसको हम कह सकते हैं POSDCORB। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि POSDCORB किसने दिया था, तो आपको बताना पड़ेगा लूथर गुरलिक ने दिया था। या मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं? तो सबको पता है हेनरी फेयोल को। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं? ये भी पूछ सकता है FW टेलर, फ्रेडरिक W टेलर। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। राइट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब कि मैनेजमेंट फंक्शन का राइट सीक्वेंस क्या है, ये एक ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होगा प्लानिंग स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग, या प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग, ऐसे आपका सीक्वेंस हो सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिपार्टमेंटेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस पार्ट, किस उस पर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रोल है, ये हम इसमें इससे भी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और कौन कौन से फंक्शन वेरियस ऑथर्स ने या वेरियस स्कॉलर्स ने बताए हैं, वो जैसे जॉर्ज और टेरी ने 4 ही बताया, लूथर गुरलिक ने शुरू में मैंने बताया 7 उन्होंने दिया था। ठीक है, उसी तरह हेनरी फेयोल ने 5 दिया था। तो ये सब हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और सीक्वेंस क्या होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। ठीक, तो ये हो गई हमारी पहली यूनिट। अब दूसरी यूनिट आपकी क्या जाती है? प्लानिंग। तो प्लानिंग, सबसे पहले व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग क्या? कि हम फ्यूचर को कैप्चर करना चाहते हैं। फ्यूचर को क्या करना चाहते हैं? अपने हिसाब से हम जो चाहते हैं वही हो। तो प्लानिंग में क्या कि व्हाट इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डू इट, हाउ इज़ to be done and when is to be done, मतलब क्या कि क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, ये सारी चीज़ों का डिसीज़न हम प्लानिंग में लेते हैं। तो प्लानिंग प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछता है कि प्लानिंग का आखिर प्रोसेस होता क्या है, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि यहाँ प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। फिर लेवल्स ऑफ प्लानिंग, अब 3 लेवल हो सकते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और
लोअर लेवल। तो टॉप लेवल पे क्या, टॉप लेवल पे मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो प्लान बनाते हैं। फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो कौन, मिडिल लेवल डिसाइड करेगा। फिर उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, लोअर लेवल। तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। जैसे एक साल क्वेश्चन पूछा गया था कि ये टॉप लेवल वाला, वो टॉप लेवल का जो प्लानिंग होता है वो कौन करता है, तो आपको बताना पड़ेगा, या आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करेगा। तो इन सब चीज़ों के आंसर आपको आने चाहिए, या ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान को, प्लान को हम लोग कई भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेटजिक प्लानिंग, फंक्शनल प्लानिंग, ठीक है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग। तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं और हमारा क्या एक गोल है वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। फंक्शनल प्लानिंग क्या, फंक्शनल एरियाज होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, उससे रिलेटेड जितनी प्लानिंग होगी वो फंक्शनल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है। उसी तरह आपका एडहॉक प्लानिंग, स्टैंडिंग प्लानिंग, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक। तो इसी तरह वेरियस फॉर्मल इनफॉर्मल हो सकते हैं। तो ये सारे आपके प्लानिंग के टाइप्स हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एक और टॉपिक है बजट का। तो टाइप्स ऑफ बजट पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ बजट क्या होते हैं, तो ऑपरेटिंग बजट, एक्सपेंस बजट, ठीक है। उसी तरह रेवेन्यू बजट, प्रॉफिट बजट, फाइनेंशियल बजट, इस तरह के कई सारे बजट के टाइप्स हैं, ठीक है, या कई तरह के प्रकार हैं, तो वो आपको जानना पड़ेगा, ठीक। और स्ट्रेटजी क्या होती है, फीचर्स स्ट्रेटजी के क्या है, इन सबसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे प्लानिंग प्रेमाइस क्या है, तो प्लानिंग प्रेमाइस क्या है कि फ्यूचर में क्या सिचुएशंस होंगी उसके रिगार्डिंग हम अभी से प्लान कर लेते हैं, ठीक। या आपका पूछेगा कि फोरकास्टिंग क्या है, मिशन क्या है, फिलोसफी क्या है, MCQs टाइप में पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले हम एक गोल को वेरीफाई करेंगे, फिर इस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रेमाइस, फिर उसके बाद प्लानिंग पीरियड की, वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, फिर अल्टरनेटिव हम देखेंगे, फिर एक को चुनेंगे, फिर हम एक प्लानिंग को का वो प्लानिंग को अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद हम जब प्लानिंग का को एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डेविएशंस हैं, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग में पक्का पक्का आनी चाहिए। उसके बाद आपका आ गया ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, जो चीज़ हमने प्लानिंग में डिसाइड की उसी को सही ढंग से हमें कैसे करना है जिससे हम प्री डिटरमाइंड गोल अचीव कर सके, उसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो अब नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब दो टाइप से हो सकता है, एज ए प्रोसेस और एज ए स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, फिर एक्टिविटीज़ डिसाइड होंगी, फिर ड्यूटीज़ हम लोग देंगे, फिर अथॉरिटी का डेलीगेशन होगा, फिर कोऑर्डिनेशन होगा, फिर उस काम को करने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, और फिर क्या होगा, उस उन सबों के बीच में एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिल्ड होगा जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर स्पेसिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या महत्व होता है। इससे भी क्वेश्चन मान लीजिए आपको चार दे दिया, उसमें से बताया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिकेशन नहीं है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए पूछ लिया, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवीज़न ऑफ गोल या डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, अटेंशन टू ऑब्जेक्टिव, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक, यूनिटी ऑफ कमांड, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे आपके और सारे हैं इसमें। आप ये हो जाता है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, प्रिंसिपल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको, फिर अगर हम देखें कि
इसके बाद आप देख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जानते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या, लाइन, लाइन एंड स्टाफ, मैट्रिक्स और आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो इतने तरह के होते हैं। इसमें से कौन से के लिए बेस्ट है ये हमें देखना पड़ेगा। लाइन कब यूज़ करना चाहिए, लाइन एंड स्टाफ कब यूज़ करना चाहिए, फंक्शनल कब यूज़ करना चाहिए, फंक्शनल को किसने डेवलप किया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए अगर हम प्रीवियस 5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, लेकिन फिर भी हमें इसकी मीनिंग, नीड, प्रोसेस और इम्पॉर्टेंस को जानना चाहिए। तो सब लोग जानते हैं नीड क्या, पहले हमने प्लान किया तो प्लानिंग में हमें ये पता चला इस काम को करने के लिए हमें इतने वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी। तो जब जितना वर्कफोर्स हमें चाहिए तो उस वर्कफोर्स के रिक्रूट करेंगे, फिर उनका सिलेक्शन होगा, फिर उनको गाइड किया जाएगा कि आपको कौन सा काम करना है, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें, ताकि हम क्या कह सकते हैं, एक अगर हम एक वर्ड में कहें तो सबसे अच्छा क्या कह सकते हैं कि एक वर्दी पीपल ऑन वर्दी पोस्ट, मतलब जो जिस काम के लायक है, योग्य है, उसको वो काम मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा देखेंगे, फिर स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस भी हमें आना चाहिए। उसके बाद आ गया डायरेक्टिंग। अब जो आदमी को हम ले तो आए ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो आपके कल्चर, आपके काम करने के तरीके या क्या काम उसको करना है, वो सारी चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगे, उससे काम कैसे करवाना ये भी उसको पता होना चाहिए। तो ये सारा काम किस में होगा, डायरेक्टिंग में। ठीक है, तो डायरेक्टिंग की नीड क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसके टेक्निक्स क्या हैं, अब टेक्निक्स क्या हैं, उसके टेक्निक्स हमें देखना पड़ेगा कि टेक्निक्स में क्या क्या होता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी हम देखेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग क्या, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, एक ही सब समरसता होनी चाहिए, मतलब पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होना चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही आदमी से उसको ऑर्डर मिल रहे हो। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही आदमी उसको डायरेक्ट कर रहा हो। फिर डायरेक्ट सुपरविजन, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या, हर आदमी अपनी बात रख सकता है। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये सारे क्या है, प्रिंसिपल हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर टेक्निक्स की बात करें तो उसमें डेलीगेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, तो हमको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपका आता है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, जैसे अभी हमने तो ऑर्गेनाइजेशन में कई पार्ट में डिवाइड कर लिया, लेकिन अगर सब लोग, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग जा रहा है, मार्केटिंग अलग जा रहा है, एचआर अलग जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो सारे लोग हैं उनके ये कोऑर्डिनेटिंग में, हमारे कोऑर्डिनेशन में हमारा ये प्रयास रहता है कि हम क्या करें, हम इन सबों को एक एक गोल पे लेके आए और इनका हार्मोनियस ग्रुप एफर्ट से और एक यूनिटी ऑफ एक्शन से हम सारी चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करें, और उससे हम इंडिविजुअल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों अचीव कर सकें। इसीलिए हमें क्या है, इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ होना चाहिए। इसीलिए आपके ये कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है, सोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका इम्पोर्टेंस, इसका हमें देखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है और टेक्निक्स क्या है या इसके प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस PHU पूछ रहा है। फिर उसके बाद लास्ट है आपका कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या आता है, कंट्रोलिंग में आता है वही कि डेविएशंस जो आ रहे हैं उसको हम लोग पता लगाने का प्रयास करेंगे और फिर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, बजटिंग हो सकता है। बजटिंग में कई तरह के बजट होते हैं, जैसे मास्टर बजट, सेल्स बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट। ठीक है, तो ये सारे आपके इसके टाइप्स हो सकते हैं। उसके बाद हम जीरो बेस्ड बजटिंग, इसे एक बार क्वेश्चन पूछा तो ये किसने किया था, सब इसको किसने किया, जिमी कार्टर ने। ठीक है, अमेरिका ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि
ये जीरो बेस्ड बस्टिंग क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, ठीक है, पर्ट क्या है, पर्ट को किसने कौन लाया, पर्ट किस चीज़ में यूज़ होती है, ये सारी चीज़ें हमें, पर्ट हो गया, सीपीएम हो गया, ठीक है, हाँ गैंट चार्ट हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी ज़रूरी हैं। ठीक, तो ये तो हो गया आपका मोटा मोटी सिलेबस, या ये इसी इसी पॉइंट से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि ये PUSDB CORB किसने दिया ये बताइए, तो फिर आपको बताना पड़ेगा लूथर गुरलिक ने दिया। फिर जीरो बजट प्लानिंग में क्या होता है, आपको ये बताना पड़ेगा कि पहले जीरो बजट प्लानिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन नया ही बना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके मैनेजमेंट फंक्शन का राइट सीक्वेंस क्या है, या किसने जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बुक लिखी, मतलब तरह तरह के क्वेश्चन से अगर आप बेसिक आपका क्लियर है तो सही हो जाएगा। फिर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, या फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल है, ठीक है। फिर ऐसी सारी चीज़ें, या कभी कभी आपको ऊपर से ही पूछ लेता है कि ये हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी किसने दी, या पूछ लेता है कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या है, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन अगर हम जितने पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, अगर वो सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर रहेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाओगे अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। उम्मीद है आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, और ये भी पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट करने में। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको एक जगह समराइट फॉर्म में मिल जाएं, और इनके सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल सके, तो आप अभी विज़िट करिए www.bwcampus.com, हमारी ये वेबसाइट है, और इसमें आप इनरोल कर सकते हैं अभी। और आपको अभी BW 2020 या 2021 कोड यूज़ करने पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। हमारी टीम ने डीपली एनालिसिस के बाद ये सारे पॉइंट्स आपको बताए, और ये सारे पॉइंट्स आगे भी हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप जब हमारे कोर्सेज को परचेज़ करेंगे तो उसमें आपको रिटन नोट्स भी मिलेगा, प्लस वीडियोस भी मिलेंगे, MCQs के बंडल भी मिलेंगे, और अगर आप और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद कर सकें, जिससे आप अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, क्योंकि आपका सपना है, हमारा भी सपना है, आपका सपना पूरा हो तो हमारा भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।